गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोया बाई M1 3.5 mm जो बोया माइक होता है उसको गाइस रिव्यू करने वाले हैं। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था जो कि आप देख सकते हैं मैंने इसको भाई इसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है गाइस 574 का मंगाया था मतलब 574 रुपये का मंगाया था इसको। तो बिग बिलियन डे सेल चलता है उससे मैंने बाई किया है तो इसमें कुछ मेरे को छूट मिला था। तो मैं आपको बता दूँ कि इसको मैं अभी खोला था लेकिन उसको मैं सोचा कि वीडियो बना भी दूँ तो इधर से मैंने इसको ओपन किया था अभी बिल्कुल जस्ट अभी खोला था अभी आया तो मैंने इसको खोल दिया। तो गाइस इसको खोलने के बाद कुछ ऐसे रहता है इसके अंदर माइक जो कि गाइस लुक देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मतलब उसको जो पैकिंग भी की गई है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पैकिंग की गई है। और ये गाइस बोया M1 माइक जो कि आप देख सकते हैं बोया लिखा हुआ है यहाँ पर बाई M1 लिखा है। तो इसकी कुछ ऐसे पैकेजिंग हुई है इसके पीछे इसका मैनुअल सब इसका जो डिटेल्स वो दिया है। इसको यहाँ से खोलने के बाद ऐसे खुलता है और यहाँ से इसका बॉक्स को ऑन कर देते हैं। तो गाइस इसके अंदर एक हमको थैला रहता है जो कि इसका ब्लैक टाइप का है और इसके अंदर भी कुछ है जो कि इसके ये मेन्यू कार्ड इसको कैसे आपको यूज करना है इसको कैसे लगाना है इसका ये मेन्यू कार्ड है और इसमें भी कुछ है। तो ये गाइस ये हमारे किसी काम का नहीं है ये तो ये बस इसमें इतना साइज है तो इसको भी साइड करते हैं। अब गाइस आते हैं माइक पे तो आपको बॉक्स खोलने के बाद ऐसे कुछ दिखेगा तो ये इस पर लिखा है ब्रांडिंग मारी गई है बोया की। और इस थैले में सबसे पहले आपको ये मिलेगा पाउच में जो कि इसके अंदर का जो भी यूज़ करने वाला जो भी सामान है वो। और ये गाइस बोया M1 माइक जो कि देख सकते हैं कितना बड़ा इसका वायर है। और ये गाइस इसके अंदर का जो भी कंपोनेंट है गाइस तो इसके अंदर जो मशीन लगाई गई है जो कि गाइस यहाँ पे एक स्विच दिया गया है इधर दिया है कैमरा उसके बाद ऑफ उसके बाद स्मार्टफोन इसको आप कैमरे पे करेंगे तो इससे आप जिसमें जिस कैमरे में भी इसको जो 3.5 mm वाला जो पोर्ट है इसको कैमरे में लगा कर और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और स्मार्टफोन में करेंगे तो इसको ऑफ ही रहने देंगे तो स्मार्टफोन में हो जाएगा सही रहेगा। और ये गाइस इसकी लेंथ है वायर की लेंथ तो इतनी है गाइस इस वायर की लेंथ देख सकते हैं कितनी बड़ी इसकी वायर की लेंथ है गाइस जो कि यहाँ पे भी इसको फंसाया गया है फंसा कर रोक गया है और यहाँ पे भी। और ये तो गाइस मैंने इसको खोला था लगभग ये 10 मीटर के आसपास वायर है जो कि आपको वीडियो में इतना दिख रहा है लेकिन गाइस बहुत ही ज़्यादा है। और ये गाइस आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो कंट्रोलर दिया गया है ये गाइस इतना बड़ा अभी कैमरे में तो छोटा ही है लेकिन गाइस ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉलिड है गाइस मजबूत है। और इसका जो ये ऊपर का ये कवर है गाइस ये पूरा मेटल है जो कि देख सकते हैं ये पूरा मेटल है तो इसको हम निकाल कर भी चेक कर देते हैं देख सकते हो गाइस यहाँ से ये खुलता है जो कि इसमें आप बैटरी लगाएंगे तो इधर साइड है गाइस इसका बैटरी पोर्ट यहाँ पे आप जो इसके साथ एक बैटरी मिलती है जो कि यहाँ पे दिख रही है इसको भी खोलेंगे। और गाइस ये दिख रहा है आपको जो इसका जो ढक्कन है ये गाइस मेटल का है पूरा तो इसमें कोई रिक्स की बात नहीं है कि प्लास्टिक का रहेगा तो फट जाएगा पूरा मेटल का है इसलिए गाइस इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अभी गाइस इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करेंगे हम अभी मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये गाइस मैं बोट के हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी आप लोग सुन ही रहे होंगे अभी मैं इससे भी चेक करूँगा। तो इतना कुछ होता है गाइस अब इसको खोलेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इतना ही बस रहने देते हैं। अब इसको दिखाते हैं गाइस इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है पॉलिथीन को ओपन करते हैं इधर से ऐसा कुछ है गाइस। तो ये इसके साथ कुछ कार्ड मिला है तो इस पर भी कुछ लिखाई गया है ये गाइस आप किसी मशीन में लगा सकते हैं जैसे होम थिएटर और कई सारी जो माइक वाली मशीन होती हैं उसमें लगा सकते हैं। और इसके साथ एक बैटरी सेल दिया गया है देख सकते हैं ये सेल है। और ये है गाइस इसके ऊपर का माइक के ऊपर लगाने वाला नूडल जो कि गाइस नॉइस को रोक देता है जो कि देख सकते हैं गाइस ऐसा है। अभी हम इसमें लगाएंगे ऐसे ये कुछ काम करेगा तो ऐसे लगाना है गाइस इसके अंदर इसको बहुत ही हल्के तरीके से इसको मतलब पकड़ के लगाना है गाइस। और गाइस इसको भी लगाने में आपसे गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये दिख रहा है आप इधर साइड से लगा देंगे तो शर्ट का कॉलर होता है उसमें लगाने में दिक्कत होने लगेगी तो इसको आपको इधर साइड से लगाना है इसको आपको ध्यान में देना है इसको सामने की साइड या नहीं इधर साइड से लगा देंगे तो आपको कॉलर में लगाने में दिक्कत होगी तो इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे ऐसे इसको यहाँ पर रखकर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये इसमें फिक्स हो जाएगा जैसे कि फिक्स हो गया गाइस देख सकते हो
कहते हैं फिक्स हो गया है। अब गाइस इसकी साउंड क्वालिटी चेक करेंगे, तो इस स्विच को भी देख लेते हैं ऑफ ही है। अब इसको लगाते हैं, अभी जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी में लगा कर चेक करता हूँ। अब गाइस चेक कर रहा हूँ, हेलो 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 चेक हेलो। तो अभी गाइस आप जो सुन पा रहे हैं साउंड क्वालिटी ये गाइस बोया M1 माइक की, जो कि मैं अभी इसमें जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ ये गाइस इसी की माइक ही है, जो कि मैं सामने से कर रहा हूँ फोन कैमरे के ऊपर से ही। तो अभी गाइस आपको साउंड में चेंजिंग पता चल ही गया होगा कि किसकी कैसी साउंड क्वालिटी है। अब आपको साउंड क्वालिटी क्लियर सुनाई दे रही होगी। अभी उसके ऊपर को जो नॉइस कैंसलेशन होते हैं इसको निकाल कर, अब गाइस आपको साउंड क्वालिटी कैसे लग रही है आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो अभी तो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। अब गाइस इसके ऊपर का जो नॉइस कैंसलेशन वाला था उसको मैंने निकाल दिया। अब गाइस साउंड क्वालिटी कैसी आ रही होगी, अभी भी बेटर ही आ रही होगी, जो कि मैंने हेडफोन से पहले बार कर रहा था तो उससे तो बेटर इससे आ रही होगी। एक बार और लगा कर इसको साउंड क्वालिटी आपको सुना देता हूँ। हेलो गाइस, हेलो, साउंड क्वालिटी कैसे आ रही है गाइस आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। अब गाइस इसको निकाल कर हेडफोन की साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। हेलो हेलो, तो गाइस अब आप जो साउंड क्वालिटी सुन पा रहे हैं ये गाइस बोट के हेडफोन से चेक कर रहा हूँ। गाइस इसकी साउंड क्वालिटी उसकी आपको डिफरेंस जरूर पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो गाइस इतना सब होता है एक बोया M1 माइक जो कि आप परचेस करेंगे तो इतना सब इसके साथ आइटम्स मिलेंगे, इसके साथ इतने सारे आइटम मिलेंगे जो कि और आपके एक थैला भी मिलेगा। और गाइस इसके अंदर एक जो मेडिसिन वगैरह होती है, ये मेडिसिन पता नहीं क्या है, तो ये इसलिए होती है कि ताकि इसमें कुछ फंगस वंगस कुछ इसके साथ कुछ रिएक्शन गड़बड़ ना हो, इसके लिए होती है गाइस, ताकि इस पर कुछ जंग वंग ना लगे। और फंगस गाइस कहीं भी पकड़ लेते हैं तो इसमें भी पकड़ सकते हैं, तो इसलिए इसमें ना लगे, ये सेफ्टी है, इसके लिए इसको दिया गया। तो कई लोग समझते हैं ये पता नहीं क्या है, तो इसको गाइस ऐसे ही रख कर और जो थैला होता है इसमें छोड़ ही देना है। जब आप इसको इसमें रखेंगे तो ये सेफ, ये जो है इसके अंदर ये सेफ करके रखेगा, इसके लिए दिया जाता है वो। और इसको गाइस इसमें लगा कर चेक कर देते हैं कितना तक। देखो गाइस यहीं पे ये रुक गया है, लेकिन गाइस आपको इसको ज़बरदस्ती अंदर करना है, क्योंकि मैं पहली बार इसको लगा रहा तो यहीं पे रुक जा रहा, तो मैं सोचा इतना ही है, लेकिन गाइस ज़बरदस्ती इसको अंदर की तरफ प्रेस किया तो ये और अंदर तक लग गया। अब देख सकते हो गाइस कितना अच्छे से इसमें फिट हो गया, ये अब नहीं निकल रहा है। तो आई होप गाइस आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि एक बोया M1 माइक मांगेंगे तो इसके साथ क्या क्या मिलेगा और इसका साउंड क्वालिटी कैसी है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।